करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के इरादे को नाकाम कर रहे भारतीय सैनिकों का जोश बेमिसाल है, लेकिन सेना से रिटायर सैनिकों का जोश भी किसी से कम नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या देशभक्ति का जज्बा है? बंदूक नहीं, कलम तो चल ही सकती है। ऐसे ही एक पूर्व सैनिक है मदन प्रसाद सिन्हा उर्फ सनातन मदन जी, जिन्होंने करगिल की घटना से प्रेरित होकर 10 गीत लिखे और गाए। जल्द ही उनका एक ऑडियो कैसेट आने वाला है। मैं स्वयं झेल चुका हूँ 1971 की वार, और यही मुझे प्रेरित कर करके और यहाँ तक पहुँचा दिया कि फिर वो सीन दोबारा लोगों को देखना ना पड़े, और इसी से मैं प्रेरित होकर के और ये मैं रचनाएं की और इसके ऑडियो कैसेट हमने बनाए। 1971 के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुके हाजीपुर बिहार निवासी मदन जी सेवानिवृत्त होने के बाद भी सैनिकों के लिए गीत लिखते और गाते रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो सरहद पर जाकर सैनिकों के जोश बढ़ाएं। जो मैंने देशभक्ति गीत लिखी है, इसको ना केवल भारत के उन लोगों को सुनाऊं, बल्कि जो सीमा पे सरहद पे जो लड़ रहे हैं उन जवानों के बीच जाकर के भी उनके हौसले को बुलंद करूं, और उनके साथ ही गुनगुनाता हुआ और मातृभूमि के लिए मैं शहीद हो जाऊं। युद्ध के दौरान वीरता के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित सनातन मदन मानते हैं कि अब की बार भारत सीमा पर आर पार की कार्रवाई करे। बार बार से अच्छा है 100 चोट सोनार का और 1 चोट लोहार का, ये एक ही बार सफा हो जाए। बार बार कभी 62 में, 65 में, 71 में, फिर ये 99 में, तो क्यों ना एक ही हथौरे में ये चूर चूर हो जाए। मदन जी ने दिखा दिया है कि यदि देशभक्ति की जोत दिल में जलती है तो उम्र किसी की मोहताज नहीं। नौजवानों नौजवानी वतन पे लुटा दो।